अभी मैंने थोड़ी देर पहले SSC GD की लाइव अपडेट के बारे में एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है, पर वो वीडियो बीच में पता नहीं क्यों अपलोड नहीं पाया, आधा कट गया है बीच में। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे आपको मेडिकल आज के दिन में हुआ है। मैं आपको दोबारा से वो चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज आप उस चीज़ को ध्यान से सुनना। एक बहुत ही अच्छा बंदा जो मिल गया, ठीक है, और मेरे से अच्छे से प्रॉपरली बात हो गई ठीक तरीके से, तो उसने हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे बता दी। मैं आपको वन बाई वन करके एक एक डिटेल्स अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है, अगर आपका मेडिकल है तो। सबसे पहली बात, जो मेरे जिस बंदे से बात हुई उनसे मैं ये पूछना भूल गया कि उनका किस सेंटर पे था। जल्दबाजी में, मतलब वो भी थे जल्दबाजी में, कहीं वो जा रहे थे, मतलब सेंटर से निकल के अपने रूम पे जा रहे थे, और उनसे ये प्रॉपर तो ये नहीं पता चल पाया कि भाई किस सेंटर पे आपका था, पर उन्होंने बाकी चीजें डिटेल में अच्छे से बता दी। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ, प्लीज वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले उनके गेट पे एंट्री हुई, तो गेट पे जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो उनकी दो चीजें पहले चेक हुई, पहला आधार कार्ड और दूसरा एडमिट कार्ड। ठीक है, ये दोनों चीज आपको कंपलसरी, अगर ये दोनों चीज आपके पास नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बस ये दो चीज। सेकंड, उनको बस में बैठाया गया, 2 से 3 किलोमीटर अंदर मेन कैंपस में ले जाया गया। जैसे कि उन्होंने मेन गेट से एंट्री करी तो वहां से उनका जो मेन कैंपस था 2 से 3 किलोमीटर दूर था, जिसकी वजह से उनको बस में बैठाकर मेन कैंपस में ले जाया गया। वहां पे उनको एक प्रॉपर एक हॉल में बैठा दिया गया। ठीक है, बैठाने के बाद उनको 8 से 9 पेज का एक फॉर्म दिया गया। उनसे ये बोला गया कि आप फॉर्म को सावधानीपूर्वक से भरना, गलती मत करना, कटिंग मत करना, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आए वहां पे जो गार्ड वगैरह, मतलब जो ड्यूटी पे होते हैं जो जवान वगैरह, उनसे आप पूछ लेना। ठीक है, ये साफ साफ उन्होंने बोल दिया। एंड थर्ड इज 10-10 का करके वो ग्रुप बना लिए, मतलब जैसे जैसे डॉक्यूमेंट लोग फिल कर रहे थे तो उनको बुला के, ठीक है, 10-10 का उन्होंने ग्रुप बना दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10-10 बच्चे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओवरऑल 16 बच्चों को वहां पे बुलाया गया था, जिस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे सेंटर का नाम तो क्लियर नहीं है, पर वहां पे 60 बंदों को आज के डेट में बुलाया गया था। ठीक है, तो 10-10 करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 10 बजे से शुरू हो गया था, जो कि दोपहर 2 बजे तक चला था। ठीक है, 10 से 2 यानी 4 घंटे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चले थे। उसके बाद 2 बजे के बाद आपको मेन मेडिकल स्टार्ट होता है यहीं से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फिर मेडिकल होता है, आपका जो मेडिकल है वो मेन मेडिकल आपका 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, उसमें आपको 60 लोग थे, 30-30 का वहां पे ग्रुप बनाया गया। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10-10 का ग्रुप था और यहाँ पे 30-30 का ग्रुप था। ठीक है, और जो मेन आपका मेडिकल स्टार्ट होता है उसमें पहला आपका कलर विजन चेक होता है। ठीक है, आपका कलर विजन चेक हुआ, सेकंड पे डिस्टेंस विजन चेक हुआ 6x6 6x9 ये चेक हुआ, एंड थर्ड पे आपका पेन लेते हैं ना ऐसे आपके साइड में ऐसे, मतलब चारों तरफ से घुमाते हैं, फिर आपका जो आई का जो मूवमेंट है उसको चेक करते हैं, आप प्रॉपरली राउंड अप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये चीज हो गया। एंड फोर्थ पे आपका कान चेक हुआ, फिफ्थ पे आपका दांत चेक हुआ, फिर आपका नाक चेक हुआ, नौकनी चेक हुआ, कैरी एंगल चेक हुआ, ठीक है, फ्लैट फीट चेक हुआ, प्राइवेट पार्ट्स भी चेक हो गए, मतलब ये सारी चीज आपको पहले दिन ही चेक हो गए। और भी मैं आपको बताता हूँ, वेट आपका मेजरमेंट हुआ, और वेट में आप ध्यान देना, वेट के बाद आपका जो चेस्ट एंड हाइट उसको मेजर अभी नहीं किया गया है फर्स्ट डे पे, जो बच्चों के द्वारा अपडेट मिली है। बीपी आपका शाम को 6 बजे सबसे लास्ट में नापा गया। ठीक है, और उसके बाद बीपी में थोड़े से बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि वो अपना बीपी के जो पॉइंट है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, जो कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उनको अपना ध्यान बीपी पे ना लगा के कहीं और लगाना चाहिए, जिससे कि प्रॉपरली उनका बीपी को मेजर किया जा सके। ठीक है, उसके बाद बीपी मापने के बाद उनको रूम में बैठाया गया। रूम में बैठाने के बाद प्रॉपर उनको जो वहां का ई एडमिट कार्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड, जैसा कि आप सब लोग को पता है एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है वहां के लिए, उसको आपको फिलअप करके देना था, सबमिट करना था। उसके बाद इतना आज पूरे दिन का इनका काम था। मैं आपको बीच बीच में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे, प्रॉब्लम कहाँ से हुए, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आई उस विद्यार्थी की जिनसे कि मेरी बात हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो उनका ई एडमिट कार्ड फिलअप हो गया, उसको सबमिट कर लिया। उसके बाद इनको क्या बोला गया कि आप सुबह 6 बजे आइएगा। इनको कल सुबह 6 बजे फिर से बुलाया गया है। ठीक है, कल सुबह 6 बजे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो आधा से ज्यादा मेडिकल वो लगभग खत्म हो गया है, इनका जो बचा हुआ है हॉस्पिटल में जाना है इनको कल सुबह। इनको ये चीज बता दिया गया है कि कल सुबह आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा बस के द्वारा, और आपको वहां पे स्लिप, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, जैसे ही इनका आज मेडिकल कम्प्लीट हुआ उनको एक स्लिप दे दी गई है, उस स्लिप के माध्यम से इनकी कल एंट्री होगी। वो स्लिप आपको दिखाना है, आपको हॉस्पिटल वहां से जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एंट्री के टाइम स्लिप दिखाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, उसके बाद हॉस्पिटल में आपको यूरिन एंड ब्लड टेस्ट होगा एंड चेस्ट एक्सरे होगा, ये तीनों चीज वहां पे होगा। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको कल ही रिजल्ट बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा लगभग 60-70% मेडिकल इनका हो चुका है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि जो इनके बैच में 30 बंदे थे उसमें लगभग 30 के 30 बच्चों क्लियर कर लिए थे आज की डेट में, कोई बाहर नहीं हुआ है।
ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेडिकल बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ले रहे हैं और बहुत ज्यादा कठिन मेडिकल नहीं हो रहा है। जिस प्रकार इन्होंने बताया, जिस प्रकार इन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया ना उनकी बातों से, तो यही लगता है ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, 30 में से दो बच्चे कुछ ऐसे थे जिनका एक को नौकनी का प्रॉब्लम था और एक का कलर ब्लिजन या कलर ब्लाइंड का कुछ प्रॉब्लम था। मैं क्लियर मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा उन्होंने क्या बताया था, तो कलर ब्लाइंडनेस या फिर कलर रीजन का ऐसे कुछ प्रॉब्लम था। तो इन दो बच्चों बंदों में डाउट है, इन्होंने ऐसा रिजेक्ट तो नहीं किया है पर उन्होंने बताया कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, इसमें आप बाहर हो सकते हैं ठीक है। ये तो हो गई कल की बात, आज की बात, इनका डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट लगी है, जाति सेंट्रल का लगा हुआ है, डोमिसाइल लगा हुआ है। और इन्होंने ये भी बताया अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, मात्र 2 दिन का। यहाँ पे फिलहाल तो 2 दिन का टाइम मिला है, कुछ कुछ सेंटर्स पे 5 दिन का भी टाइम मिला है। अब वो अलग अलग सेंटर से वो वेरी करेंगे, कहीं कहीं कुछ नियम होंगे, कहीं कहीं कुछ और नियम होंगे ठीक है। तो ये चीज में मैंने आपको क्लियर कर दी। अभी रेमेडिकल का कोई प्रोसेस नहीं पता चल पाया, क्योंकि रेमेडिकल आपको तभी पता चलेगा जब आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप फेल हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, अनफिट हुए, तभी आपको रेमेडिकल का कोई प्रोसेस पता चल पाएगा। तो 2 दिन मिले हैं ना, तो कहीं कहीं 2 दिन मिल रहे हैं, कहीं कहीं 5 दिन मिल रहे हैं, वो आप देख लेना ठीक है। और एक चीज और अपडेट देने वाली थी, उनसे मैंने वो 2 फोटोज बताया कि अभी पहले दिन तो 2 ही फोटोज लगे हैं, आगे क्या प्रोसेस रहता है, कितने फोटोज लगते हैं वो मैं आपको कल बता पाऊंगा। कुछ बंदों के फिंगर मिसमैच किए हैं तो उनको फेस के द्वारा उनको मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है, फेस के द्वारा उनको मैचिंग करवाया गया है। एंड जिसका फेस और फिंगर दोनों नहीं मैच हुए हैं उनको फॉर्म नंबर 11 फिल करवाया गया है। फिलहाल रिजल्ट किसी को नहीं बाहर किया गया है ठीक है। तो मिसमैच वालों को फॉर्म नंबर 11 भरवाया गया है ठीक है। जिनका फिंगर नहीं हो रहा उनको ये फेस के द्वारा उनको क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये चीजें थी, अपडेट थी, मैंने सारे अपडेट को यहाँ पे लिख लिया था ठीक है। एक एक अपडेट को मैंने लिख लिया और जैसे ही कोई और भी अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर लूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप मेडिकल के लिए जाने वाले हो, आपका मेडिकल है तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कंटिन्यू बेसिस पे आपको प्रॉपर अपडेट दूंगा, एकदम असली अपडेट दूंगा। मेरे पास सभी बंदों के नंबर है, कल की डेट में जिसका अपडेट है, जिनका भी मेडिकल है, परसों नर्सों, जो भी डेट्स में है सबके मैंने नंबर पहले से ही ले रखे थे। मुझे मेल्स भी बहुत बच्चों के आए, नंबर उन्होंने अपना शेयर किया, मुझे अच्छी बात लगी, लोग कॉपरेट कर रहे हैं ठीक है। तो ये सब चीजें थी, आपको मैंने बता दिया कि 60 लोग को बुलाया गया था इनके सेंटर के, सेंटर का नाम क्लियर नहीं हो पाया, मैंने उनसे पूछना भूल गया। और 30-30 बंदों को मेन मेडिकल के लिए बुलाया गया और 10-10 बंदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, बाकी डॉक्यूमेंट्स में कोई बहुत ज्यादा नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आधार पैन कोई भी चलेगा, 10th जाति कास्ट का सेंट्रल वाला होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। और एनेक्जर की इन्होंने कोई चर्चा नहीं करी है, कि एनेक्जर वगैरह की कोई चर्चा नहीं करी थी ठीक है। बाकी यही चीजें उन्होंने मुझे प्रॉपर रूप से बताया। हाइट और चेस्ट नहीं लिया गया है ठीक है, ट्राई करते हैं, अगर समय मिलता है तो थोड़ी देर में लाइव भी आएंगे ठीक है। तो आप तैयार रहना लाइव के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपडेट चाहिए, मेडिकल क्लियर करना है तो मेडिकल पास होना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड अ ग्रेट डे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।